हेलो गाइस, मैं हूं बीपी सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नरेशन का इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज नरेशन, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ा था हमने, और उसमें पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच के क्या क्या पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, थोड़ा सा परिचय हुआ था। और हमने चर्चा की थी कि सेंटेंस जो है बेस्ड ऑन मीनिंग सेंटेंस आपके फाइव काइंड्स के होते हैं। तो फाइव काइंड्स में से सबसे पहले जो हम लोग आज शुरू करेंगे सेंटेंस, वो हमारा है असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, मींस यदि ये आपका पता है, आपकी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका ये रिपोर्टेड स्पीच यदि किसमें हो, असर्टिव सेंटेंस में हो, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, आप हम आज हम लोग इसमें इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। कहा जा रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, इसको हमको पढ़ना है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप आइए रिपोर्टिंग वर्ब पे, किस पे, रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार बदल देंगे, निम्न प्रकार चेंज कर देते हैं, निम्न प्रकार चेंज कर देते हैं। ध्यान रखना है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ध्यान रखना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, मींस रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इस पूरे को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इस पूरे को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तथा इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच कैसे बदलेगी, इसको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार चेंज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर आपका जो वर्ब आती है डायरेक्ट में उससे आती है, से टू आएगा तो टेल करेंगे, सेज टू आएगा तो आप इसको टेंस में बदल देंगे। कब आएगा आपको पता है, कब आएगा, से टू टेल हो जाएगा, सेज टू को हम क्या करेंगे, टेंस में बदल देंगे। इसी तरीके से अगर सेट टू आएगा, सेट टू कब आएगा, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम करेंगे अगर पास्ट होगा तो सेट टू आएगा, और सेट टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर टू नहीं आएगा, मीन्स कोई वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो से को हम से ही रहने देंगे, सेज को सेज ही रहने देंगे, और सेट को भी सेट ही रहने देंगे। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं आता है तो चेंज नहीं होगा, जो का त्यों रख देंगे। तो पहला स्टेप आप क्या क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, निम्न अनुसार बदल देंगे, चेंज कर देंगे। चलिए दूसरा स्टेप देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप हम ये देखेंगे कि रिपोर्ट कॉमा को हटा कर, जो कॉमा लगा होगा, कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कब ऐसा करते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कब करेंगे, जब ये आपका रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगा, असर्टिव सेंटेंस में होगा। तो इस तरह से हम कॉमा को हटाकर, ये आपको कॉमा दिख रहा है ना, तो अभी हम रिपोर्टेड स्पीच की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच की बात करेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहले इसकी वर्ब को निम्न प्रकार जो आप देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, और पहुंचेंगे कॉमा, कॉमा को हटाकर कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे अपने रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो असली कहानी देखिए नरेशन की यही पे है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है
जहाँ पे मिस्टेक बच्चे करते हैं, जहाँ पे गलतियां हो जाती हैं सामान्यतया यहीं पे होती हैं। तो पूरी कहानी कहाँ होनी है? रिपोर्टेड स्पीच में होनी है। तो रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदलना है ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको मैं अभी हटा देता हूं, देखते हैं अब रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलेगा। यहां भी रिपोर्टिंग स्पीच तक तो हमने बदल लिया, रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो यहां पर देखिए सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच जो होगा उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा इसको देखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हमको बदलना पड़ेगा चेंज ऑफ टेंस। क्या? चेंज ऑफ टेंस, टेंस में परिवर्तन। और दूसरी बात आती है चेंज ऑफ पर्सन। क्या? चेंज ऑफ पर्सन। और तीसरी चीज आती है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे स्टूडेंट्स जो 9th 10th 11th 12th में है, इवन 6th 7th 8th में भी है, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो तीन चीजें आ रही है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, ये चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कॉमन है। ये आपका असर्टिव में भी चलेगा, मींस अफर्मेटिव नेगेटिव में चलेगा, इंट्रोगेटिव में भी सेम चीज होगा, इंपरेटिव में भी यही होगा, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में भी सेम चीज होगा। आपकी ये रिपोर्टिंग स्पीच को बदलने का तरीका बदल सकता है चेंज करने का, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को बदलते समय मेन चीज जो कॉमन होने वाली है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कॉमन होगा। अगर ये चीजें आपको नहीं क्लियर हुई तो आगे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर पाओगे, नहीं बदल पाओगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है चेंज ऑफ टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। मींस अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को बदलने के बाद सबसे पहले आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में और उसके टेंस को परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी जो बनेगी चेंज ऑफ टेंस, सबसे पहले हम टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो यहीं से देख लेते हैं चेंज ऑफ टेंस की अगर बात करें तो चेंज ऑफ टेंस में तो सॉरी पहली बात आ रही है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय देखिए हमने कहा यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है आपको कि यदि आपकी ये, मैंने यहां कहा ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यदि ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको करना क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है बस, क्योंकि अभी हम लोग चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो सब थर्ड पर्सन होंगी, कोई भी सेकेंड या थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का नहीं होगा। तो अब एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कह दिया जाए हरी सेज टू मी, हरी सेज टू मी ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच की अगर बात करें तो यहां पर कह दिया जाए कि राधा has stolen a book, राधा ने पुस्तक चुरा ली है। अब यहां पर देखिए ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो जब असर्टिव सेंटेंस है तो अब यहां आ जाते हैं, यहां चेंज करते हैं। देखिए सेज टू आया है, सेज टू को किस में बदलना है, टेंस में, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट बदलेंगे हरी टेल्स मी।
सेज टू को टेंस में कामा को हटाकर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। आई होप यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ये इनडायरेक्ट में। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ये थर्ड पर्सन है, इसको हम जंप करते हुए रख देंगे। राधा हैज स्टोलन अ बुक, इस तरह से हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो एक सेंटेंस और मैं देता हूं यहां पे आपके लिए, जैसे कह दिया जाए कि आई से मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि दीपक विल बाय अ कार, दीपक एक कार खरीदेगा। देखिए दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, आई से मैं कहता हूं दीपक विल बाय अ कार, दीपक एक कार खरीदेगा। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच या आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आई से को से ही रहने देंगे, आई से दैट दीपक विल बाय अ कार। तो आपने देखा कि ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, चलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में होता तो भी नहीं बदलता, ये फ्यूचर में हो जाए जैसे हरी विल से, यहां पर हो जाता आई सेल से, तो यहां होता आई सेल से, यही होता कोई आई सेल से टू यू, आई सेल से टू यू हो जाएगा, तो आई सेल टेल यू, इसके बाद दैट लगा करके बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई इशू आपको नहीं होगा। चलिए आज हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किस में क्या होगा तो कैसे बदलेगा। हमने आज आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस। कुछ एक ऐसी कंडीशन है जब बदलेगा तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने कहा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस आपको प्रेजेंट का एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन एक सेंटेंस मैंने ऐसा रखा जैसे मैंने इसको एग्जांपल में बताया आई सेल से टू यू, तो आप क्या हो जाएगा आई सेल टेल यू दैट दीपक विल बाय अ कार, इस तरह से बन जाएगा। तो अगली क्लास में फिर से आगे की चीजों को हम लोग लेकर के आएंगे, आगे इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आप अपना प्रेम बनाए रखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।